गुरुग्राम में अपने घर के सामने मोबाइल पर बात कर रहे शख्स को टोकना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। घर के सामने मोबाइल पर बात करने से मना करने पर आरोपी युवक अपने दर्जन भर साथियों के साथ आया और चार लोगों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आइए इस पूरी घटना को इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। अगर आप साइबर सिटी गुरुग्राम में रहते हैं तो आप किसी को फोन पर बात करने से मत टोकना, वरना आपकी जान पर बन सकती है, क्योंकि आपको बचाने पुलिस तक नहीं आएगी। जी हां, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके की हैं। तस्वीरों में चार शख्स एक मोबाइल दुकान के सामने खड़े हुए नजर आएंगे, तभी अचानक हाथों में लाठी डंडे लिए आधा दर्जन से ज्यादा युवक आते हैं और आते ही इन चारों पर जानलेवा हमला कर देते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक हमलावर दो लोगों को बुरी तरह से जख्मी करके फरार हो जाते हैं। हमले की इस सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट पहने ये वही शख्स है जो कुछ देर पहले फोन पर बात कर रहा था। पीड़ित सुमंत यादव का आरोप है कि अगर पहला फोन करने के बाद ही पुलिस आ गई होती तो ये वारदात रोकी जा सकती थी। पीड़ित की मां ने तो जब युवक को फोन करने से मना किया था तो उसने बताया कि वो कादरपुर गांव का रहने वाला है और गुज्जर है, उसकी ऊंची राजनीतिक पहुंच है, इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर, मैं अपने दुकान के अंदर था करीब करीब 3:30 बजे 13 फरवरी। मैंने देखा कि एक लड़का अंदर गली की तरफ बार बार चक्कर काट रहा है और फोन पर बात कर रहा है। मैंने काफी देर वेट करने के बाद उनका वेट किया, जब वो 4 बजे दोबारा आए हैं, 10-12 लड़के आए हैं हाथों में डंडा और राड लेकर। मैं दुकान के गेट पर खड़ा था जहां पर आकर उन्होंने वारदात की और मेरे हाथ में फ्रैक्चर है। वारदात के बाद जब घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया तब जाकर पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस पर यह भी आरोप है कि पुलिस ने मामले में राजनीतिक दबाव के चलते हल्का केस बना दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है, जल्द गिरफ्तारी होगी। अननोन व्यक्ति थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की और मारपीट करके उसको चोटें पहुंचाई थी। जिस संबंध में शिकायतकर्ता के बयान पर थाना बादशाहपुर में कानून की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था और अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो इसमें शिकायतकर्ता है जिसको चोटें लगी हैं, उनमें से जो उन्होंने जिनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया था उनको अभी उन शिकायतकर्ता द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जो भी केस ऑन फैक्ट्स जो भी केस फाइल पर आएंगे उसी के अनुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने जहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, वही सवाल ये भी खड़ा होता है कि कैसे जरा सी बात पर आज के युवा आपा खो बैठते हैं और जान तक लेने पर आतुर हो जाते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।